हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। और अब जाके शाम के 4 बज रहे हैं, तो लगभग कुछ काम ख़त्म हो गया है, कुछ रह गया है जो कि मेरा ड्रेसिंग। तो अब ड्रेसिंग को थोड़ा सेट करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर सबसे दोबारा करना पड़ेगा, फिर उस रूम में ले जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, तब तक फ़िलहाल के लिए सब कर दिए हैं। और अब 4 बज गया है, 4 बजे नहा धोवा के रेडी हुए हैं। तो नहीं नहाने से चेहरा अजीब लगता है, और अच्छे से मेकअप हम मेकअप करते हैं तभी हमको अच्छा लगता है, नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। खुद हम ही को अपना फेस अच्छा नहीं दिखता है, तो आप लोग एकदम गंदा दिख रहा होगा। यहाँ पे बाल ऐसे करके झाड़ लिए हैं, पोनी बना लिए हैं, और जब तक नहीं नहाए थे तब तक सीधी हमको कितना बार, 4 बार बोली है, 3 बार इधर आएगी, हमको 3-4 बार ये बोल चुकी है, बड़ी मम्मी नहीं नहाइएगा, बड़ी मम्मी नहीं नहाइएगा। जानती है कि सुबह सुबह हम नहा लेते हैं, इसीलिए तो इसको इतना चाव था, हमको बार बार आके बोल रही थी नहा लीजिए जाके, बड़ी मम्मी नहा लीजिए। तो जाके नहा लिए हैं, और सोचे थे कि धूल मिट्टी उड़ेगा, इसी वजह से नहीं नहाए थे। तो अब जाके नहा धोवा के यहाँ पर रंजना आज चाय बनाई है, जो कि लेबर मिस्त्री लोग को भी दिलाया है और हमको भी आके दे गई है। तो अब पी ले थोड़ा सा चाय, ज़्यादा चाय नहीं रहता है इसमें, एकदम थोड़ा सा रहता है, लेकिन इतना बड़ा कप है तो सबको लगता होगा कि कितना चाय पीती हैं। यहाँ देखिए एकदम थोड़ा सा चाय, और यहाँ पे मेरा आँख आँख आ गया है, फ्रेंड्स को बोले हैं मन कर रहा था खाने के लिए, तो बोले कि जाना आम ला दो, तो नारियल पानी और आम लेके आया है। तो यहाँ पे पत्ता को देखिए कितना साफ से भून दिया है, और अब इसमें जा रहा है लगाने, इसका सब निकल गया था। तो फेविक्विक मंगाए हैं, बार बार गिर जाता है इसका पत्ता, तो फेविक्विक लगा कर और इसमें लगाएंगे अभी, तब उसके बाद ये ड्रेसिंग सहारना है, पूरा अस्त व्यस्त है, इसको भी अच्छा से सब अरेंज करेंगे। और वहाँ पर देखिए मेरा बेड पूरा भरा हुआ है, तो साड़ी अलमीरा में रखना है, इसलिए उसको रखे हैं, तो उसको भी उसमें सेटिंग करेंगे। तो चलिए, और वहाँ पे राम जी का दोनों फोटो लग गया है मेरे यूट्यूब के बगल में, यहाँ पे हमको लग रहा था कि राम जी को ऊपर लगाना चाहिए, हम लोग का वहाँ फोटो है, तो वहाँ हो सकता है कि हम हटा भी दें, नहीं अच्छा लग रहा है, वहाँ से हम हटा देंगे। तो देखते हैं कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। और ये बोर्ड राधे कृष्ण का यहाँ लगा दिया है, तो इन लोगों को हम सोच रहे हैं कि यहाँ लगवा दे क्या, यहाँ पर यहीं पर लगवाएंगे, अच्छा लगेगा। तो है गाइस, ये गमला देखिए, पॉट इतना अच्छा खूबसूरत है ना, कलरफुल, और इसका सब पत्ता जो है वो गंदा हो चुका था, तो इसको धुले हैं सरफ से। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सब लगा दिए पत्ता को, तो फेविक्विक से लगा के ही साटे हैं इसमें ना, तो ये पत्ता बार बार गिर जा रहा है, लूज हो गया है, खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, तो ये फ्लावर यहाँ रख दिए, चूँकि छज्जा पे सब सामान था, कबाड़ भरा हुआ था, तो यहाँ पे ये रख दिया अभी फ़िलहाल में, कि इधर उधर जगह नहीं है रखने के लिए, तो यहाँ रख रहे हैं, फिर बाद में अपने रूम में सजाएंगे, इसमें भी खुद सजा देंगे। तो एक ये पॉट यहाँ रख दिए, फिर एक ये स्टैंड, एक फिर ये, फिर एक बड़ा वाला पौधा इसमें लगा दिया है, खूबसूरत लग रहा है देख के। हरा हरा लग रहा है एकदम। तो यहाँ हो रहा है डाउन सेलिंग, और डाउन सेलिंग में क्या इसको बोलते हैं जी, डाउन सेलिंग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं जो आप ठोक रहे हैं, चैनल, ये चैनल लग रहा है इसमें, लोगो लगा रहे हैं, और ये मचान बनाए हैं इसको चढ़ते काम करने के लिए, हम लोग क्या मचान बोलते हैं इसको, मकई के खेत में बना के लोग बैठता सोता था। ये तो
नील गाय खातिर अथी कर जानवर खातिर लोग बैठ के ओमे गोली तो क्यों जाता है तो ये प्लास्टर हो गया है और लोग जाते नहीं के डर है बोले खा जाओ तो पहला ही प्लास्टर हो गल बाटे खाली पाया बाकी बा अब है ये ना यहां पर किचन है पानी आ जाए आइए बाहर तो रख दिया जाए देख कितना साफ सुथरा हो बोल कितना अच्छा लगे राजे बोय में कादा साहब तो हमरे घर हो बोला दादाजी सब तो मेरा घर है सब जानता लगा रही है। तो हे गाइस तो कल कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आंटी जी प्रिंस का शादी वाला साड़ी दिखाइए तो वो साड़ी यहाँ पर है जो कि आप लोग देख रहे हैं तो इसका कुछ इस तरीका का है आ जाओ पास में कुछ इस तरीके सो गाइस तो ये साड़ी हम प्रिंस के शादी के टाइम पहने थे परछावन के टाइम तो अभी पहन के उसी तरह रख दिए थे तो गांव गए थे तो लाए हैं धोवाने के लिए धोवाए भी नहीं है इसको ये डिजाइन ऐसा था हम लोग तो आगे से पहनते हैं इसलिए इसको कटवा के बनवाए हैं नहीं तो ये साइड का बनाने वाला था और ऐसा कुछ इसका डिजाइन है तो यहाँ देखिए पीछे का बैक का कितना खूबसूरत लग रहा है और पीला पे ये रानी कलर बहुत अच्छा लगता है तो इसमें देखिए कितना सुंदर से इस पे बॉर्डर किया गया है और इतना खूबसूरत लग रहा है ये मोती है और स्टोन का है तो इसको निकाले हैं कि दे भी देंगे डाइक्लीनर्स कराने के लिए डाइक्लीन हो जाएगा और अच्छे से रखा जाएगा तो इसका साड़ी है कुछ इस तरीका से यहाँ देखिए ऐसे है साड़ी साड़ी का लुक कुछ इस तरीका से आया था और बहुत मस्त लग रहा था जब पहने थे तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा और कमेंट कीजिएगा ये साड़ी है देसी लुक का यहाँ पे इसका है दिखा रहे हैं आप लोग को यहाँ देखिए पास में लाइए यहाँ देखिए ये देसी लुक का साड़ी है तो हमको तो बहुत प्यारा लगा और सचिन का भी शादी में कुछ इसी तरीके का देसी लुक का उसका भी लिए हैं वो भी साड़ी मेरा बहुत खूबसूरत है और अगर कहिएगा लो तो वो भी साड़ी दिखा देंगे आपको और इसको भेजेंगे डाइक्लीन हो जाए और इस पे दिया है साटन का कपड़ा तो साटन में देखिएगा इस हमको साटन लगा कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें हम कपड़ा लगा दिए हैं ये पेटीकोट वाला कॉटन का कपड़ा और गर्म भी नहीं होगा तो यह बहुत खूबसूरत हो गया है और कभी भी साटन में सिलवाना चाहिए तो इसी तरह ये कपड़ा फुल लगा है चारों तरफ ये लगा है कपड़ा कॉटन का इसी कलर में तो अच्छा हो गया है अब चल रहे हैं सब रखने तो यहाँ पे ये साड़ी है इतना साड़ी सब रखे हैं इधर है देना है किसी को दे देंगे डोनेट करेंगे इसको ये साड़ी भी निकाल दें कल हैंगर में आप लोग को दिखाए हैं सो गाइस तो इसका देखिए चूड़ी इसी में लगा कर रखे थे सोचा कि इधर उधर हो जाएगा गुम हो जाएगा तो इसका हरा कलर का इसमें है और रेड है तो मिला दिए हैं और आगे पीछे का थ्री पीस लगा लेंगे इसमें जब पहनना होगा तो हम इसी में डाल कर रख देते हैं तो ये कांच नहीं है कि टूटेगा कांच रहता तो टूट जाता और मेटल है तो नहीं टूट पाएगा ये हमको पता नहीं इस साड़ी के साथ रखने में सब चीज़ आराम लगता है खोजना नहीं पड़ता है जब पहनना होगा तो सर्दे निकाल लो आप लोगों को कैसा लगता है ऐसा करने में
और अलग अलग रखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है खोजने में कि कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। इसका ये ब्लाउज है, ये नहीं ब्लाउज है, दूसरा ब्लाउज है, लेकिन इस पर ही चल जाता है ब्लाउज, इसीलिए इसको रखे हैं। और यहाँ चूड़ी रख दें, बैंगल्स बहुत मेहनत लगता है गाइस, सब निकालो बनाओ फिर रखो, और हम लोग को तो और ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो पूरा दिन समय मेरा काम में निकला है। यहाँ इसको रखते हैं, बस सब गाइस। तो यहाँ देखिए सब साड़ी इसमें रख दिए, एक खंदा में भर गया, और लग रहा है कि दुकान का साड़ी है। अरे यहाँ सब पर्स रखे हैं, एक पर्स, दो, तीन, चार, एक नीचे है पांच, एक यहाँ है छः, एक इसके पीछे है सात, सात आठ पर्स अभी यूज कर है, और ऊपर में भी साड़ी रखा है। तो अलमारी में रख दे रहे हैं कि सेफ रहेगा, ना तो चूहा काट देगा। सो गाइस, तो अब वीडियो कराने देते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।